नमस्कार। चाचा नेहरू के नाम पे अपने पास एक काबिले तारीफ यूनिवर्सिटी है JNU। ये खबरों की गर्मा गर्मी में कुछ बेहतरीन फैक्ट स्लिप कर जाते हैं, उसी लेकर के आपके पास आया हूँ। JNU 1969 में आबाद हुआ था, बसा था। 1969 में JNU की स्थापना हुई थी और ये स्थापना होते ही वामपंथियों का गढ़ हो गया था, जो आज RSS भाजपा का प्रयोगशाला बन चुका है। जब ये नया नया बना था तो प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता, तब का कलकत्ता के जो फैकल्टीज थे और जो कोर्सेज थे वो सीधा ट्रांसमिट होकर के JNU में आ गए थे भाई साहब, जाहिर है ना। तो अपनी शुरुआत से ही ये वामपंथियों का गढ़ हो गया था। पहली बार जब JNU में कन्वोकेशन हुआ था, दीक्षांत समारोह हुआ था, वो 1972 में हुआ था, 3 साल बाद ही हुआ था। और उसके चीफ गेस्ट थे फिल्म अभिनेता बलराज सहनी, जाहिर है वो लेफ्ट आइडियोलॉजी के थे, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के फाउंडर मेम्बरों में से थे और उन्हें बुलाया गया था। और उसके बाद से 47 सालों तक कोई दीक्षांत समारोह कन्वोकेशन नहीं हुआ। वहाँ के स्टूडेंट ने स्ट्राइकें की, प्रोटेस्ट किए, दीक्षांत समारोह नहीं करवाए। इधर जब 2018 में फिर 47 साल के बाद दूसरा दीक्षांत समारोह शुरू हुआ करने की बात हुई, तो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया JNU के स्टूडेंट ने कि भैया नहीं नहीं, यहाँ JNU में नहीं होगा दीक्षांत समारोह, कन्वोकेशन नहीं होगा। हाउ ए कन्वोकेशन कुड बी थ्रेट फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेरे को समझ में नहीं आज तक। दीक्षांत समारोह होगा तो यूनिवर्सिटी पे खतरा है, इसकी पढ़ाई पे खतरा है, भाजपा इसके अंदर घुस जाएंगे, सेफ्रोनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन होना था, व्यवस्था बदली है तो होगी ना। वो दोबारा जब दूसरी बार कन्वोकेशन हुआ तो चीफ गेस्ट बनाए गए वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे। जब तीसरी बार अभी जो हुआ है कन्वोकेशन, उसमें रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चीफ गेस्ट बनाए गए और उन्होंने संस्कृत के श्लोक पढ़कर लोगों को बताया, स्टूडेंट को बताया कि चरित्र क्या होता है, इंस्टीट्यूट क्या होता है। सेफ्रोनाइजेशन तो शुरू हो गया भाई, राष्ट्रीयता तो घुस गई JNU में इनके बहाने। और जो 47 सालों तक कन्वोकेशन नहीं हुआ वो लगातार 2 सालों से हो रहा है, उम्मीद है आगे भी होता रहेगा। जब से वहाँ स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हो रहा है, 22 बार तो सिर्फ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो CPIM मार्क्सिस्ट का विंग है, स्टूडेंट विंग है, वो जीतता रहा, उसके प्रेसिडेंट होते रहे। सिर्फ 1991 और 2000 में ABBP का प्रेसिडेंट वहाँ चुना गया था। और इस बार तो वहाँ इस बार जो अभी भी चुनाव हुआ है 2019 में सितंबर में जो चुनाव हुआ है, उसमें 4 के 4 सीट्स जो है ना वो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोगों को मिला है, जो SFI है, AISI है, DSF है, SIF है, ये जो सब लेफ्ट विंग के जो हैं लोग आइडियोलॉजी के मिल गए एक साथ, और ABBP अकेला रहा उधर। तो सेकंड पोजीशन ABBP का था, जाहिर है दौर में 2 ही लोग शामिल थे, बाकी तो सारे एक तरफ हो गए थे। 8000 के करीब स्टूडेंट्स हैं JNU में, 5700 के करीब मतदान हुआ था, 3500 का के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, जो विनर्स हैं लेफ्ट विंग के जो चारों घटक थे जो एक साथ मिले थे, उनको वोट दिया। और 2200 के करीब स्टूडेंट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को वोट दिया। भाई साहब, कभी ABBP को JNU के चुनाव में 1% वोट मिलता था और अब 19.7% वोट पे आ गए हैं। दखल तो हो चुका, लेफ्ट का जो कारखाना था उसकी नींव तो हिल चुकी, अब वो RSS BJP का प्रयोगशाला हो चुका। ये जो JNU है ना, उसका लटका झटका जो है ना पॉलिटिकल ज्यादा रहा है। अब देखिए, 75% अटेंडेंस स्टूडेंट को चाहिए फाइनल एग्जाम में अपीयर होने के लिए, जो कि DU में लागू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BHU में लागू है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लागू है, लेकिन JNU में नहीं। भैया हम ग्रोन अप स्टूडेंट हैं, हम नहीं मानते। हैंडफुल ऑफ लेफ्ट ब्रिगेड्स जो हैं JNU में, उन्हें ज़बरदस्त किस्म की आज़ादी चाहिए। आज़ादी बोले तो सेक्स और ड्रिंक की भी आज़ादी चाहिए। रात के 11 बजे से पहले हॉस्टल में पहुंचने का कानून नियम भाई, क्यों भाई, भैया क्यों वापस आ जाना है रात के 11 बजे तक हॉस्टल में? हैं, वो क्या कहते हैं कि श्रद्धानंद मार्ग पे उसका किसी का रिसर्च है, तो किसी का पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात के 12 बजे रिसर्च करना है, तो वो नहीं आने वाला है। कानून बना कि
जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वहाँ 10:30 बजे रात के बाद लड़के लड़की साथ नहीं रह सकते, छोड़ों को बाहर निकलना पड़ेगा। भाई क्यों भाई? भाई JNU हमारा, पढ़ाई हम कर रहे हैं, रिसर्च हम कर रहे हैं। अबे तू कौन होता है कानून बनाने वाला? नहीं चलेगा ये भी। अरे भाई साहब, JNU के मेस में बीफ बने इसकी मांग रखी गई, JNU कैंपस में महिषासुर की पूजा हो इसकी मांग रखी गई। फ्रीडम ऑफ फेथ भी चाहिए ना भाई, वहाँ फैकल्टीज अच्छे हों, पढ़ाई अच्छी हो, नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हों, इसके लिए कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है वहाँ। वहाँ प्रोटेस्ट होता है बीफ बननी चाहिए मेस में। जी हाँ, ये जो अफजल गुरु है जिसे फांसी मिली, जो आतंकवादी था, देशद्रोही था, उसकी बरसी मनाने चले गए भाई साहब JNU में। बताइए, सब जानते हैं भारत तेरे टुकड़े हुए के नारे लगे, कन्हैया को हीरो बना दिया लोगों ने, लेफ्ट ग्रुप ने। राहुल गांधी चले गए थे मिलने के लिए, बोले भैया तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसने जो नारे लगाए ठीक है, इसे तो मतलब उन्होंने वादा ही कर लिया कि कांग्रेस से टिकट देंगे। लालू यादव के साथ इनकी सेटिंग हुई और लालू यादव को कन्हैया पसंद आया नहीं, तो सीतारामन येचुरी आए, बोले कि एकमात्र ही ऐसा बंदा है जो भाजपा का काट हो सकता है, बेगूसराय से चुनाव लड़वा दिया उसको। पूरा लेफ्ट ब्रिगेड, पूरा लेफ्ट लीडर्स, वो दर्रबिस ने अपने चैनल पे भी उसको हीरो बनाया, वहाँ भी चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए गया, और वो कन्हैया को बेगूसराय की जनता ने रिकॉर्ड मतों से हराया। ये है हिंदुस्तान। टीचर स्टूडेंट रिलेशन भी कमाल का है JNU में, कुछ स्टूडेंट तो टीचर से भी बड़े हैं, और जो टीचर लेफ्ट आइडियोलॉजी के नहीं है उनका तो बैंड बजता रहता है भाई। अनुपम खेर JNU गए, विवेक अग्निहोत्री के साथ गए, ताशकंद फाइल और बुद्धाइन ट्रैफिक जाम फिल्म दिखाई, स्टूडेंट्स की तालियां बटोरी, ABBP ने साथ दिया, लेफ्ट स्टूडेंट विंग्स की जमकर सुलगी। 47 सालों तक JNU में दीक्षांत समारोह नहीं हुआ और पिछले 2 सालों से लगातार हो रहा है लेफ्ट के विरोध के बावजूद। साधगुरु अब JNU जाने लगे हैं, वहाँ छात्रों के साथ उनका सवाल जवाब होता है, वामपंथियों के नीचे से जमीन खिसक रही है साफ दिख रहा है। वामपंथियों की पहचान मोस्ट इंटॉलरेंट के रूप में रही है, इसीलिए ये हर जगह से अपनी जमीन खोते चले गए। JNU लेफ्ट ब्रिगेड का आखिरी चौपाल, आखिरी अखाड़ा या आखिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप जो चाहे कह लीजिए, उसे बचाने के लिए ये लोग पागल हो गया है। अभी फीस हाइक हुआ JNU में, स्टूडेंट ने जम के आंदोलन किया और JNU के गुर्गों ने विवेकानंद की तस्वीर वैंडलाइज कर दी, तोड़ दी साहब। विवेकानंद की मूर्ति पर ऐसे गंदे गंदे शब्द लिखे कि यहाँ बोला नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ RSS BJP का प्रयोगशाला बनकर ही अगर JNU शिक्षण संस्थान में तब्दील होता है तो हो ही जाना चाहिए। JNU से पॉलिटिकल एक्टिविटीज खत्म होना ही चाहिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं JNU में बहुत हैमर हो रहे हैं। अरे भाई, वो चाहते हैं कि 75% अटेंडेंस का कानून बने, वो चाहते हैं रात के 11 बजे तक हम हॉस्टल में आ जाएं, वो चाहते हैं कि जो मेस है, जो सेक्स और ड्रिंक का जो एक चेहरा बन गया है, उससे JNU दूर हो, वो चाहते हैं कि एक जो स्टूडेंट्स की जो परिधि होती है उसमें रहें। हम पढ़ने आए हैं, पढ़ें, रिसर्च करें, रिसर्च करें, कैरियर बनाएं। इस पॉलिटिकल जो भेनदिता है, ये जो पॉलिटिकल हाई मेलो ड्रामा JNU में होता रहता है, इससे मुक्ति मिले, मुक्ति जल्दी मिलने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, आप जिस आइडियोलॉजी के हैं उसी आइडियोलॉजी का कमेंट दीजिए, और वहाँ रहेगा जिस भाषा में भी रहे उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम आते रहेंगे। जय हिंद।